अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे गूगल एडसेंस से जो है ना वो आप सैकड़ों डॉलर जो है ना वो कमा सकते हैं पर मंथ। $500 जो है ना वो आप इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये होगा कि जो मेरा जो मेथड है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको ट्रैफिक देगा और वो 100% जो है ना वो रियल मेथड है। समझ लो कि इसमें आपको कोई समझने के ये वो सेफ़ एंड साउंड होगा बिल्कुल मेथड। और ये बिल्कुल समझ लें कि ये कुछ ऐसी मेथड आपने देखे होंगे जो यूट्यूब पे आपको मिल रहे हैं जिससे लोगों के जो है ना वो एडसेंस अकाउंट जो है ना सस्पेंड हो जाता है, लेकिन इससे 100% जो है ना वो आपका अकाउंट सेफ़ रहेगा, कोई सस्पेंड नहीं होगा। बस आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँगा। पहले तो आपने ये करना है कि ये जो आपने ब्राउज़र खोल लेना है अलग से, ठीक है, और ये आपने कैस्ट मोड जो है ना वो आपने ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र से, गूगल क्रोम से, ठीक है, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है, आपने इस ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ इसकी 3 डॉट पे क्लिक करके इनकॉग्निटो के ऊपर जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है और इसी के ऊपर जो है ना वो हमारा सारा काम होगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का वो खुल जाएगा इंटरफेस जो है ना। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको जो है ना वो इनेबल हुआ होगा, आपने इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। ये इनेबल होगा, आपने इसको क्या करना है, डिसेबल कर देना, क्योंकि हमें कुकीज़ चाहिए, थर्ड पार्टी कुकीज़ चाहिए ताकि गूगल को लगे कि ये यहाँ पे सर्च कर रहा है। मैं आपको तरीका बताऊँगा, उसी के मुताबिक जो है ना इसी मेथड के मुताबिक आपने सारा काम करना है और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। यही मेथड यूज़ करोगे वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड मेथड है ये। इससे आपका कभी भी जो है ना वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। इसको आप बंद कर लो, वो आपके पास एक ब्राउज़र खुल गया, ठीक है। ये एक जो है ना वो आपके पास VPN है, अवेस्ट स्क्वायर लाइन VPN, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको लास्ट में, ये छोड़ना नहीं है, लास्ट में मैं आपको तरीका बताऊँगा। ये देखिए मेरे पास एक परचेज्ड वर्जन है, बिल्कुल परचेज्ड वर्जन है। इसके अंदर आपको ये मेरा नाम दिख रहा है, जब आप परचेस्ट करेंगे तो ये आपका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। मैं ईमेल छुपा रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने क्या करना है, इसको जब आप इसको परचेज़ कर लेंगे तो आप जो है ना वो इसको आप इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉक्सीज मिल जाएगी, तकरीबन जो है ना वो आपको मिडल ईस्ट जो है ना वो यूरोपियन एशिया वगैरह सब प्रॉक्सीज मिल जाएंगी। देखें इस तरह का जो है ना वो आपको प्रॉक्सीज इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, किसी में जो है ना वो किसी कंट्रीज की 2-3 प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि इसमें USA की भी बहुत सारी प्रॉक्सीज जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है ना वो इसका तरीका कार बताऊंगा किस तरीके से आपको ये मिल सकती है, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। देखें USA की प्रॉक्सीज हैं जो है ना वो आपको, ये देखें ये कैनेडा की, और ये सब जो है ना साउथ अफ्रीका वगैरह ये सब जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ये भी यूज़ कर सकते हो आप इस प्रॉक्सी में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये आप इसे किस तरीके से जो है ना वो बाय कर सकते हो, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से जो है ना वो एक प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लूँगा कि हमने जिसके ऊपर ये काम करना है, ठीक है। हम उस प्रॉक्सी के मुताबिक जो है ना वो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इस प्रॉक्सी को जो है ना वो आप जब यूज़ करोगे तो मैं आपको जो मेरा ये मेथड होगा, जो मेरा तरीक़ेकार होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने काम करना है। अगर आप ऐसे काम करते रहोगे, गारंटी है आपको क्लिक्स भी मिलेंगे, आप क्लिक्स भी ले सकते हो, जितने मर्ज़ी क्लिक्स करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जो है ना वो ये देखें ये बहुत सारी जो है ना यहाँ पर आपको प्रॉक्सीज मिल जाएंगी, जैसे कि ये देखें ये लिथुआनिया का प्रॉक्सी है। मैं इस प्रॉक्सी पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑन हो गई है। डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आपको प्रॉक्सीज मिल जाएंगी। जितनी देर में ये ऑन होगी तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको मैं तरीक़ाकार बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने काम करना है। दोबारा बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। ये एक जो हिडन प्रॉक्सी होगी वो ये है, जो समझ लें कि अपने आपके कंट्री की प्रॉक्सी है, और ये प्रॉक्सी जो है ना वहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो जो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये खोल देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसे किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना IPHEY.com, ठीक है,
iFay.com कह लो या जो भी आपको समझ आता है, इसको जैसे आप खोलोगे ये आपको बताएगा कि ये प्रॉक्सी जो है ना, ये कहाँ की जो आपको प्रॉक्सी लगाई है, ये जो ठीक है लिथुआनिया की, ये प्रॉक्सी कहाँ की है। ये देखें अगर ये ट्रस्टवर्दी है ठीक है तो, लेकिन अगर इसके अंदर लोकेशन वो मेंशन नहीं कर रहा और ये हार्डवेयर, तो कोई मसला नहीं है ठीक है। अगर आईपी चेंज इसकी बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना अनरिलायबल आईपी है, तो फिर आपने इसे चेंज कर लेना ठीक है। अगर ये नहीं बताता अनरिलायबल ये नहीं, ये वो है आप यूज़ कर सकते हो ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है, तो फिर आप यूज़ कर लेना। ये देखो नीचे ले आओगे, स्क्रॉल करोगे, ये देखो लिथुआनिया जो है ना वो यहाँ पे आ गया है, यूरोपियन कंट्री है ठीक है। इसको जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ, आपने वो वेबसाइट भी देख ली है। देखो ये वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस वेबसाइट से आप जब भी आपने करना हो, ये दोनों वेबसाइट आपने चेक करनी है ठीक है, इनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है ठीक है। जब भी कुकीज़ आएंगी उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे गए स्कैमलेटिक्स ठीक है, स्कैमलेटिक्स पे आके क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना वो आपकी आईपी जो है ना एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि देखें ये आईपी मैंने आपको दिखाया था, ये इनके जो है ना वो आईपी है, देखो ये आईपी एड्रेस आ गया यहाँ पे, इसको सबमिट कर दो। आप जैसे ही सबमिट करोगे ये आपको बताएगा कि भाई इसके फ्रॉड के कितने चांसेस हैं। देखें ये जो है ना वो मीडियम रिस्क है, अगर ये 70 से नीचे है ठीक है, 70 या 70 से नीचे है फिर तो आप इसे यूज़ कर सकते हो ठीक है इस प्रॉक्सी को। अगर ये 70 से अबव है फिर आप इसको यूज़ ना, ठीक है, फिर वो हाई फ्रॉड रिस्क आ जाएगा ठीक है। अगर आप जो है ना वो अगर ये बिल्कुल लो है फिर तो मौज ही मौज है बस। फिर आप ये देखें कि यहाँ पे वो बता रहा है कि ये कंट्री वगैरह वर्सा वगैरह, ये कंट्री है पोलैंड, लेकिन ये प्रॉक्सी जो है ना वो आपकी प्रॉक्सी नहीं है ठीक है। ये पोलैंड की भी हो सकती है और लिथुआनिया की भी हो सकती है ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, लेकिन ये आपकी प्रॉक्सी नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते ठीक है। लेकिन अच्छा आईपी एड्रेस जो है ना ये अगर आपका यहाँ पे दे रहा है अनरिलायबल, तो फिर यूज़ नहीं करना ठीक है। बस फिर यहाँ पे आपने गूगल लिखना है, google.com लिखने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम नहीं लिखना ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट का नाम नहीं लिखना कि ये देखो ये आप, मैं इसे दोबारा देख लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो फिर बंद किया था, देखिए वही है ठीक है, स्किप कर दी थी मैंने वीडियो। आपने जो है ना वो यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वेबसाइट नहीं लिखनी गूगल में ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। आपने क्या करना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट में जो आपने आर्टिकल लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने सर्चिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ऑटो इंश्योरेंस क्लिक करने के बाद आपने कोई से भी दो या तीन वेबसाइट के ऊपर जो नीचे आएंगे ना उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना ठीक है। आप कोई सी भी दो या तीन वेबसाइट जो आएंगी उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं ये एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये तो इनवैलिड यूआरएल है, इसके क्लिक कर लेता हूँ। अगर ये आपको कुकीज़ देता है ठीक है, ये वेबसाइट पे कुकीज़ आती है तो आपने उसे एक्सेप्ट करना है ठीक है, यस कर देना उन कुकीज़ को। समटाइम कुकीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिक अपडेट के अंदर आ जाती हैं और कुछ जो है ना वो आपसे परमिशन लेती हैं, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना है उन कुकीज़ को। नीचे से ऊपर एक दफ़ा स्क्रॉल करना, बड़े जल्दी जल्दी काम करना है आपने ये ठीक है। और करने के बाद फिर आपने किसी और वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आ जाना है इसी तरह ठीक है, ताकि गूगल को लगे कि भाई ये जो बंदा है ना ये ऑटो इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर रहा है, ऑटो इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर रहा है। ये देखिए ठीक है, ये आ गया, इसने यहाँ पर कुकीज़ के बारे में कर दिया। हाँ जी मैंने कहा जी कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाए जी, ये एक और वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, फ्री कार इंश्योरेंस ठीक है, इसके ऊपर आगे क्लिक किया और यहाँ पे एक दफ़ा इसको नीचे किया और ऊपर कर दिया, फटाफट सेकेंडों में काम है ठीक है। इसको आपने नीचे करना है, पीछे
जितना नीचे लेके जाएं आपको नुकसान नहीं। और फिर आपने जो है ना वो क्या करना है, अपने यहाँ पे ऐसे कॉमा देके या स्पेस देके, ठीक है, कॉमा या स्पेस देके अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ parkworldpoint.com। parkworldpoint.com लिखा। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो मेरी वेबसाइट नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ मेरी वेबसाइट नहीं आ रही। वेबसाइट अगर आ जाए आपकी यहाँ पे तो ज़बरदस्त, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाए तो ठीक। इसका एक और तरीका ये भी है कि इमेजेस में चले जाना, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कौन सी इमेज लगाई हुई है, समटाइम यहाँ भी होती है। आपने क्या करना, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ जाए तो नहीं, ठीक, नहीं तो आपने क्या करना है, इसको आपने उड़ा देना है। फिर आपने जो है ना वो सर्च करना है, और जब आप सर्च करोगे फिर आपकी वेबसाइट आएगी, ठीक है। अब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक कर देना, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो जब आप इस तरह करते हो तो नीचे ऑटो इंश्योरेंस वाली आपने जो आर्टिकल लिखा था वो भी आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये सर्च जो है ना वो गूगल में उसे लग रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना वो कुछ और सर्च कर रहा था, तो उसने ये भी सर्च कर लिया। अब आपने क्या करना है, ऐसे एक दफ़ा नीचे आना है, ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करना है आपने, एक दफ़ा लाजमी स्क्रॉल करना है। ऐसे एड्स के ऊपर क्लिक नहीं करना, ऐड को तो आपने सिर्फ इंप्रेशन दिखाने हैं, अभी क्लिक नहीं करना बिल्कुल। ऐसे आपने जो है ना वो अलग अलग पेज जो है ना ओपन कर लेने हैं, अलग न्यू टैब में जाके कोई से भी जो है ना वो आपने कैटेगरी का ऐसे खोल लेनी है। अब ये देखिए, जो हमने जो कैटेगरी खोली है ये हमारा व्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हर कैटेगरी पे जो है ना वो अलग से हमारा एक व्यू आ गया। बस ऐसे अपने माउस से नीचे स्क्रॉल करो और ऊपर ले जाओ, बस, और कुछ भी नहीं करना। माउस से नीचे स्क्रॉल किया और ऊपर ले गए, एक दफ़ा नीचे किया और ऊपर, बस, और कुछ भी नहीं। और ये देखो कि मैंने एक दफ़ा स्क्रॉल किया और ये ऊपर ले गया। आपने सिर्फ एड्स के ऊपर जो है ना इंप्रेशंस आ जाए, हाँ जी यहाँ पे जो है ना वो ऐड के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं। हमने ऐड के ऊपर इंप्रेशंस देंगे तो हमारे जो है ना वो गूगल को लगेगा कि भाई ये जो है ना बंदा आया है और ये आके चीज़ों को विज़िट कर रहा है, ठीक है, और इसका जो है ना वो मकसद अपने जो है ना वो जो से चीज़ चाहिए वो लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, इनके ऊपर इंप्रेशंस जाता रहेगा। ये तो मैं ज़रा आपको सिखाने के लिए ज़रा इतना टाइम लगा रहा हूँ, वरना ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप किसी को भी इसको ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, तो जब भी आप किसी के ऊपर क्लिक करोगे ना इनमें से किसी भी आर्टिकल के ऊपर, तो ये आपका व्यू काउंट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये आपका व्यू काउंट हो जाएगा। देखिए मैं अगर किसी, ये देखो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा व्यू काउंट हो गया, और यहाँ पे मज़ीद ऐड्स आ गए। तो मतलब है कि मैंने इतने सारे इंप्रेशन दे दिए हैं ऐड्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं इनसे किसी पे भी नहीं कर रहा। अब ये मैंने एक और जो है ना वो हमारी कैटेगरी थी, मैंने उसे खोल लिया, और मैं किसी को भी जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। ये देखिए इसके ऊपर भी जो है ना वो नीचे स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाना है आपने, ठीक है। सेम इसी तरीके से करना है, और कुछ नहीं, बस। ये ऊपर गए, ये ऊपर जाने के बाद और फिर आपने जो है ना वो एक और के ऊपर लेके आना है, और किसी भी जो है ना वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। आप ये जाके मेरी वेबसाइट विज़िट भी कर सकते हो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे जो है ना वो अप्रूवल हो सकती है और किस तरीके से। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आपको ये ऐसी एक बात बताने लगा हूँ कि भाई आपको कभी भी आपके ऊपर जो है ना वो जो एड्स होती हैं उसको वो कभी भी बैन नहीं होंगी, इसकी वजह से आपका गूगल एडसेंस कभी बैन नहीं होगा। आपने ऐड लगानी नहीं है, वो होता है ना कि आप एड्स में जाते हैं फिर आप अपनी तरफ से ऐड लगाते हैं, उसका नेम दे देते हैं, आपने ऐड नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, जो ऑटो ऐड है ना इसका वो खोलना है, और बस, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आपका प्रॉब्लम जब भी आता है, जब आपका जैसे गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है तो आप वो कर देते हो। अब आपने क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो मैंने कब क्लिक किया है, ठीक है, और इसको कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है, लाजमी कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है। देखिए जो आपको ऐड लगे ना कि यहाँ पे कि भाई ये इससे मुझे बड़े अच्छा CPC मिल सकता है, बस उसके ऊपर क्लिक करना है। और ये देखो ऊपर एक URL है ना, इस URL को चेंज करना है, ये इस URL को चेंज करना है।
एक दफ़ा नीचे गए और इस URL को आपने चेंज कर लिया, बस एक आध दफ़ा चेंज किया और ये आपका काम हो गया, ये क्लिक हो गया, वैलिड क्लिक हो गया। ठीक है, ये इनवैलिड क्लिक नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जो है ना वो बार बार इस पर तब्दील कर रहा हूँ, बस एक दो दफ़ा भी कर लोगे ना तो ये इनफ है। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है, सारे को बंद कर दो और ये आपका क्लिक हो गया, वैलिड क्लिक हो गया। ठीक है, और यहाँ से ला के आपने इसको जो है ना वो ख़त्म कर देना है, यहाँ से ये ऑफ़ कर देना है। ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। अब इसको अगर आपको चाहिए ना तो मैं इसका आपको बता रहा था कि आप कैसे जो है ना वो इसे ले सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊँगा। इसको ये है कि आपने इसको अगर लेना है, ठीक है, इस VPN को लेना है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसके जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका ऑन नहीं होगा, अब वो कहेगा कि जी इसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको 2 मंथ का आपको ये ट्रायल देगा, आपने क्या करना है उस 2 मंथ के ट्रायल के लिए आप अपना कोई भी कार्ड जो वीज़ा कार्ड वगैरह वो डाल दोगे उसके अंदर। ठीक है, और जैसे डालोगे वो आपको 2 महीने का टाइम देगा और वो बताएगा कि मैं 1 हफ़्ते पहले जो है ना वो आपको बताऊँगा कि आपने ये रिमाइंडर करवाएगा कि आप जो है ना वो उसे अपने इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपने यही करना। 2 महीने में यार आप बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हो, तो 2 महीने बहुत होते हैं, तो आप 2 महीने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आपकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी। मैं भी ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना वो लगता है कि भाई ये वीडियो बड़ी कमाल की है तो मेरी वीडियो को जो है ना वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो बस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मुझे एक मुझे किसी ने कहा था कि भाई आप अपना इंस्टाग्राम भी दें, तो मैं अपना इंस्टाग्राम जो है ना वो आपको नीचे एक लिंक भी दे दूंगा। तो कुछ भी पूछना यार, मैं यहाँ पे कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे फॉलो करो और मेरे से वहाँ से कुछ भी पूछ लो। कोई सर्विसेज चाहिए तो मैं वहाँ पर दूँगा, वहीं पर हर चीज़ मैं आपको अवेलेबल हूँगा। ठीक है, वहीं पर मैं आपको सारे जवाब दूँगा। तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने एक चीज़ पर अकाउंट बनाया था, तो ये देखिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 दिन में, 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो ये काम वो किया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है कि आपने $5, $6 से ज़्यादा के क्लिक्स लेने ही नहीं, $5 या $6 के क्लिक्स इससे ज़्यादा नहीं लेने। ये नहीं है कि $20 के, $50 के क्लिक्स बना रहे हो डेली, नहीं इस तरह नहीं करना। $5 देखो, आप ग्रेजुअली अगर बनाना शुरू करोगे, पहले मैं तो कहूँगा पहले 6 मंथ जो है ना वो आपके मंथ में हर मंथ आपके $150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 156 मंथ पहले, फर्स्ट 6 मंथ तक आपके $150 तक होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे, यानी आपने 1 साल इस तरह गुजारना है, फिर आप $200 तक चले जाओ। बस यार बहुत है यार, अपने इतना ही कमा लो आप। ये नहीं है कि आप कहोगे मैं लालच नहीं करना, लालच जो है ना वो बुरी चीज़ है। तो आपने सिर्फ $5 तक जो है ना वो क्लिक लेने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने, इससे ज़्यादा आपने काम ही नहीं करना। 1 साल अगर आपका गुजर गया ना और आपने ये $200 तक कर लिया, पूरा फिर उसके बाद जो है ना गूगल आपको कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा जी ये वेबसाइट ही पुरानी है, 1 साल हो गया इस वेबसाइट को। तो बस ये आपने काम करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ऑर्गेनिक तरीके से जो है ना वो ट्रैफिक भी आए, ठीक है, तो वो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसकी शर्त ये है कि इस वीडियो के ऊपर जो है ना वो तकरीबन 1000 लाइक्स होने चाहिए। 1000 लाइक्स होंगे इस वीडियो के ऊपर तो मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दूंगा जो आप यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ऑर्गेनिक व्यूज़ देगा, जिससे आपके डेली जो हैं डेली तकरीबन 1000, 1500, 2000 व्यूज़ जो है ना वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे डेली, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक ले सकते हो। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आपके 100 आपकी वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ हैं और आप उसके ऊपर जो है ना $5 या $6 के क्लिक्स ले लो तो गूगल पकड़ लेगा आप, ठीक है, गूगल सिस्टम ऐसा है। और इसलिए आपके जब 1000 या 900,000 या 1500 अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, फिर आप 500 के क्लिक्स लो, सॉरी $5 के या $6 के क्लिक्स लो, इससे ज़्यादा के नहीं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मैं वो सॉफ्टवेयर आपको बताऊं जो आपको फ्री में जो है ना वो ऑर्गेनिक व्यूज़ दे,
तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में वो बनाऊंगा। अगर आप मुझे इस पे 1000 लाइक्स कर दोगे इस वीडियो के ऊपर, तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा, वो टूल भी दूंगा, और मैं जिससे ऑर्गेनिक व्यूज आएंगे, और मैं आपको हाई CPC करने का जो है ना वो भी तरीका बताऊंगा, कैसे आप हाई CPC कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यार ये मेरी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको सबसे पहले मिल जाए यार। और मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नीचे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जो है ना वो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, और जो कुछ पूछना है वो इंस्टाग्राम पर पूछना है, यहाँ पर मैं कोई जवाब नहीं दूँगा, ठीक है ना। और 1000 क्लिक्स चाहिए यार, 1000 लाइक्स चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।